Assalamu alaikum and welcome to MK Academy. In this video, we'll talk about a concept of operating system, that is operating system structure. Previous videos में हमने देखा कि operating system क्या होता है, उसकी क्या importance है और वो किस तरह से work करता है. Operating system basically a complex system होता है, जिसके structure के बारे में जानना important है ताकि हम उसकी working को understand कर सकें बेहतर तरीके से और अगर कोई modification करनी है operating system के अंदर तो उसको easily किया जा सके. Basically simple structure, layered approach, microkernel approach, modulus approach, ये चार approaches हैं when it comes to the structure of operating system जो with time evolve हुई. कुछ को अभी भी prefer किया जाता है, कुछ को prefer नहीं किया जाता. So first one is simple structure. Simple structure basically वो स्ट्रक्चर है जिसको डिज़ाइन करते हुए एक बात को मद्देनज़र रखा गया, वो ये थी कि लेस स्पेस यूज़ हो और उसके अंदर ज़्यादा फंक्शनैलिटीज़ को किया जा सके. इसको बेसिकली किसी भी लेयर में, किसी भी मॉड्यूल्स में डिवाइड नहीं किया गया. ऐसा यहाँ पे अपेरेंटली लग रहा है कि लेयर्स बनी हुई हैं, पर ये लेयर्स नहीं हैं. कोई भी पीस ऑफ कोड किसी भी दूसरे पीस ऑफ कोड के साथ बात कर सकता है और किसी भी अरेंजमेंट के अंदर, यानी कि बॉटम वाले टॉप के साथ और टॉप वाला कोड बॉटम वाले कोड के साथ कम्युनिकेट कर सकता है. इसकी एक एग्जांपल है MS-DOS, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि सिंपल स्ट्रक्चर की बेस पे डिज़ाइन किया गया. इसके बेसिकली जो नुकसान है वो ये है कि चूंकि इसको किसी भी लेवल्स में या मॉड्यूल्स में डिवाइड नहीं किया गया, तो अगर एरर आ जाता है या किसी किस्म का कोई बग होता है तो उसको फाइंड आउट करना मुश्किल हो जाता है और मॉडिफिकेशंस करते हुए भी बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है टू फाइंड आउट कि मॉडिफिकेशन इस पार्ट के लिए कहाँ पर करनी है. अब अगला है लेयर्ड अप्रोच. बेसिकली सिंपल अप्रोच को लेयर्ड इसीलिए नहीं माना जाता क्योंकि लेयर्ड अप्रोच की जो एक खास बात है वो ये है कि टॉप लेयर जो हैं वो कम्युनिकेट कर सकती हैं अपने से नीचे मौजूद सब लेयर्स के साथ, जबकि जो बॉटम वाली लेयर है यानी कि L1, ये कम्युनिकेट नहीं कर सकती अपने से अपर लेयर्स के साथ. L2 कम्युनिकेट कर सकती है L1 के साथ, लेकिन L3 के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकती. टॉप लेवल पे जो लेयर है वो यूज़र इंटरफेस की लेयर होती है, जबकि जो बॉटम लेयर है यानी कि सबसे नीचे वाली लेयर है वो हार्डवेयर की लेयर होती है. By dividing the operating system into layers, अच्छी तरह से protection provide कर दी गई operating system को. लेकिन यहाँ पर भी एक थोड़ा सा problem ये था कि जब इस structure को design करना था तो बहुत ज़्यादा focused रहना है कि कौन सी layer कहाँ पर होगी, ताकि किसी किस्म की कोई problem ना आए बाद में in the communication of the layers. Next is Unix. Unix के अंदर traditionally जो सिस्टम स्ट्रक्चर यूज़ होता था, ऑपरेटिंग सिस्टम स्ट्रक्चर यूज़ होता था, उसको मोनोलिथिक स्ट्रक्चर कहा जाता था. मोनोलिथिक क्योंकि कर्नल के अंदर तमाम फंक्शनैलिटीज़ को रख दिया गया है. देखिए यहाँ पर CPU, स्केड्यूलिंग, फाइल सिस्टम, स्वैपिंग ब्लॉक और हर किस्म की फंक्शनैलिटी जो है उसको कर्नल के अंदर ही रख दिया गया. जब ऐसा किया गया तो एक एडवांटेज इसका ये था कि जब भी कोई सिस्टम कॉल आती थी कर्नल के पास तो कर्नल ईजिली जो है वो काम करके दे सकता था, बिकॉज हर पीस ऑफ कोड उसके अंदर ऑलरेडी अवेलेबल है. लेकिन इसका नुकसान ये हुआ कि एरर्स और डीबग्स को फाइंड करना मुश्किल हो गया. फॉर एग्जांपल अगर CPU स्केड्यूलिंग के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो नहीं पता चलेगा कि CPU स्केड्यूलिंग कहाँ पे मौजूद है, इसलिए सारे कर्नल के अंदर से होकर गुजरते हुए CPU स्केड्यूलिंग तक पहुँचना पड़ेगा. इस तरह से जो है मॉडिफिकेशन का प्रोसेस मुश्किल हो जाता है. फिर ट्रेडिशनली चूंकि ये मोनोलिथिक स्ट्रक्चर यूज़ होता था, उसके बाद जो यूज़ होना शुरू हुआ उसको लेयर्ड स्ट्रक्चर कहा जाता है. उसमें लेयर्ड में डिवाइड कर दिया गया हार्डवेयर को, कर्नल को, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को, जो बेहतर था मोनोलिथिक स्ट्रक्चर से. इसी तरह का एक स्ट्रक्चर यूनिक्स में यूज़ होता है जिसमें यूज़र मोड में और कर्नल मोड में डिवाइड कर दिया गया ऑपरेटिंग सिस्टम को, ताकि उनके साथ बेहतर तौर पर डील किया जा सके. माइक्रो कर्नल सिस्टम स्ट्रक्चर. मोनोलिथिक स्ट्रक्चर में हमने देखा कि हर इंपॉर्टेंट पीस ऑफ कोड कर्नल के अंदर ही मौजूद है, तो वहाँ पर कॉम्प्लेक्सिटी का प्रॉब्लम हमें फेस करना पड़ा. अब माइक्रो कर्नल सिस्टम स्ट्रक्चर के अंदर बेसिकली ये किया गया कि कर्नल को माइक्रो कर्नल में डिवाइड कर दिया गया और उसके अंदर बजाय ये कि सारी इंपॉर्टेंट फंक्शनैलिटीज़ रखी जाती हैं या सारी फंक्शनैलिटीज़ रखी जाती हैं, सिर्फ इंपॉर्टेंट फंक्शनैलिटीज़ को रखा गया और कम्युनिकेशन का एक प्रोसेस दे दिया गया. बाकी फंक्शनैलिटीज़ को यूज़र मोड में रखा गया. इन केस हार्डवेयर को चाहिए कोई फंक्शनैलिटी जो कि यूज़र मोड में अवेलेबल है यानी कि फाइल सिस्टम से, तो वो कर्नल को माइक्रो कर्नल के पास जब रिक्वेस्ट आएगी तो माइक्रो कर्नल मैसेज भेजेगा यूज़र मोड के अंदर फाइल सिस्टम के पास और तब जाकर जो है ये काम हो जाएगा. इस तरह से कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी कम हुई और इनके साथ डील करना थोड़ा आसान हो गया. और माइक्रो कर्नल चूंकि अब लेस कॉम्प्लेक्स था, तो उसके अंदर मॉडिफिकेशंस, चेंजेस करना या एरर्स को फाइंड करना या बग्स को फाइंड करना ईजी था. ये एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है कि कैसा दिखता है आर्किटेक्चर ऑफ माइक्रो कर्नल सिस्टम स्ट्रक्चर. नेक्स्ट वन इज़ मॉड्यूल्स. मॉड्यूल्स के अंदर डिवाइड किया गया ऑपरेटिंग सिस्टम को. ये एक मॉडर्न अप्रोच थी और सबसे बेहतर अप्रोच थी. बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच इसको कहा जाता है. इसमें
डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के अंदर पीस ऑफ कोड को डिवाइड कर दिया गया, जो कि ऐसा लगता है कि लेयर स्ट्रक्चर से सिमिलर है, लेकिन इसमें और उसमें एक जो डिफरेंस है वो ये है कि जो लेयर स्ट्रक्चर है उसमें कुछ लेयर्स कम्युनिकेट कर सकती हैं, यानी कि टॉप लेयर्स बॉटम के साथ कम्युनिकेट कर सकती हैं, जबकि वाइस वर्सा नहीं हो सकता। यहाँ पर कोई भी मॉड्यूल किसी भी मॉड्यूल के साथ कम्युनिकेट कर सकता है। ये एक सेफ अप्रोच है, इसमें मॉडिफिकेशन ईजिली हो जाती हैं, इसमें काम ईजिली हो जाता है, तो इसको सबसे ज़्यादा मॉडर्न, सबसे ज़्यादा बेहतर अप्रोच समझा जाता है। तो ये तो थी ऑपरेटिंग सिस्टम के स्ट्रक्चर्स के बारे में थोड़ी सी बेसिक डिटेल। इफ़ द वीडियो इज़ हेल्पफुल, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड इन केस ऑफ क्वेश्चन डोंट फॉरगेट टू आस्क इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो।